तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर, आप देख रहे हैं आजटेक इजी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो 4017 आईसी होती है, यानी कि CD4017 जो आईसी है, उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके सारे टर्मिनल्स के नेम और भी मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है फिर एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी आईसी होती है वो किस तरीके से दिखती है आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये होती है आपकी एक आईसी, और इस तरीके से इसमें जो है 16 पिन्स हैं। ये जो है 4017 आईसी है, इसमें 16 पिन्स हैं। इसमें 8 एक साइड में, 8 एक साइड में है, ठीक है। तो इसमें जो है वर्किंग सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इसको इसके जो टर्मिनल्स हैं उसके नंबर आपको किस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे जो है आपको एक कट दिख रहा होगा, एक यू शेप का आपको एक कट दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कट दिख रहा होगा आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है इस तरीके से पढ़ना है आपको। इसकी जो है इस वाली साइड से आप पढ़ेंगे इसको, यानी कि इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको सबसे ऊपर वाला टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला जो टर्मिनल है आपका, तो ये जो है ये आपका फर्स्ट नंबर पिन है, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एट हो गया। उसके बाद में एट के सामने वाला, यानी कि ये वाला जो है, ये वाला नाइन है, फिर टेन है, फिर ऊपर तक जाएगा। यहाँ पे जो है जो कि फर्स्ट पिन थी उसके सामने वाली जो पिन है वो वाली 16 पिन होगी। तो इस तरीके से जो है इसकी पिन्स होती हैं 1 से लेके 16 तक। तो ये जो हो गए, ये तो हो गई पिन की बात कि कौन सी पिन कहाँ पे होती है। इसके बाद में जो इसके आउटपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट्स होते हैं। अब जो है मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीन शो कर दूँगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ दिखा दूँगा, और जो भी मैं आपको बताता जाऊँगा सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखता जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख गया होगा। इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पिन्स हैं, वहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, और वहाँ पे जो है साइड में आउटपुट भी लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है अब आपको मैं बताना शुरू करता हूँ। तो आपको जो है किसी किसी आईसी में जो है डॉट भी दिखता है। यहाँ पे जो है डॉट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर आपको डॉट दिखता इस जगह पे, तो वो वाला जो उसकी जो नीचे वाला टर्मिनल होता, वो वाला आपका फर्स्ट टर्मिनल हो जाता। तो वहाँ से आपको काउंटिंग शुरू करनी होती है। हर आईसी में यही होता है, डॉट अगर होगा तो फिर उसी के नीचे वाली जो मतलब उसकी बगल वाली जो टर्मिनल होगा वो फर्स्ट नंबर होगा। और अगर डॉट नहीं मिलता है आपको, तो आपको इस तरीके से पकड़ना है, और इस साइड से जो है आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से सारी आईसीज में सारा कुछ ये सब कॉमन होता है, किस तरीके से आप इसको पकड़ते हैं। तो उसके बाद में जो है आपकी बात आती है कि आपके इसमें और कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको 1 से जो 7 तक आप यहाँ पे टर्मिनल्स देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो है 1 से 7 तक आप जितने भी टर्मिनल देख रहे हैं, ये सारे आउटपुट के टर्मिनल हैं। आउटपुट कौन सा कहाँ पे है ये वो सब भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी आपको मैं सारा कुछ बताऊँगा। उसके बाद में जो है आपको और 3 आउटपुट और दिख रहे होंगे उसके बगल वाली साइड में। यहाँ पे जो है 11 नंबर पिन, 10 नंबर पिन और 9 नंबर पिन, ये सारी ये तीनों भी आउटपुट हैं। टोटल मिला के इसमें जो है 10 आउटपुट्स हो गए हैं, 7 इधर हो गए हैं, 3 इधर हो गए हैं। तो यहाँ पे 10 कुल मिला के आउटपुट्स हो गए हैं। उसके बाद में जो है आप ऊपर की साइड में देख सकते हैं, पिन नंबर जो 16 है वहाँ पे जो है पॉजिटिव सप्लाई दे रखी है हमने। वहाँ पे हम 9 वोल्ट तक की पॉजिटिव वहाँ पे हम 9 वोल्ट 12 वोल्ट तक की पावर सप्लाई दे सकते हैं, उससे ज़्यादा ना दीजिएगा, नहीं तो आईसी जो है ख़राब हो सकती है। तो वहाँ पे जो है आपको पॉजिटिव सप्लाई देनी होगी। यहाँ पे जो है मैं आपको सारी कुछ वर्किंग बता रहा हूँ इसकी, किस तरीके से काम करेगी, और उसके टर्मिनल्स के भी आपको बताता जाऊँगा धीरे थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पे जो है आपको पिन नंबर 16 में आपको पॉजिटिव देनी है, और केवल उसमें पॉजिटिव ही जाएगी, उसके अलावा और उसमें कोई टर्मिनल नहीं ऐड होगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रीसेट पिन दे रखी है, इनपुट दे रखा है इनेबल और कैरी आउट। तो रीसेट पिन जो है रीसेट पिन और कैरी आउट में इन दोनों को आप एक साथ में शॉर्ट कर देंगे, जिससे कि ये जो है ग्राउंड पे, यानी कि पिन नंबर 8 पे भी चला जाएगा, यानी कि 15 नंबर पिन, 13 नंबर पिन और इसी के साथ में 8 नंबर पिन, ये हर सर्किट में कॉमन रहेगा। और यहाँ पे जो है आपको नेगेटिव सप्लाई देनी है, यानी कि ग्राउंड देना है। तो ये रही आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई, जो कि मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में जो है आपको 12 नंबर पिन जो है कैरी आउट
कैरी आउट जो है आपको ओपन छोड़ देना है, आप कोई भी सर्किट बनाएं आपको जो है कैरी आउट को ओपन छोड़ना होता है। तो ये हो गया आपको कैरी आउट की बात। इसके बाद में जो है 14 नंबर पिन आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो है 14 नंबर पिन आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट। तो इनपुट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है आपको कोई भी सिग्नल देना होता है, यानी कि आप कोई भी सिग्नल दे सकते हैं जिस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे टाइमर आईसी से सिग्नल दे सकते हैं जो कि 555 आईसी है, उसे आप जैसे कोई भी सिग्नल देंगे तो फिर आप जो है फ्लैशर बना सकते हैं, और भी कहीं और भी कुछ सर्किट्स बन सकते हैं इससे। वैसे तो फ्लैशर काफ़ी मेनली बनाया जाता है, और YouTube पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी फ्लैशर से रिलेटेड भी, और मैं भी जो है अभी आगे वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जो है लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रही हो। तो इसके बाद में जो है ये आउटपुट मैंने आपको बता दिए थे, 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर पे भी आउटपुट आपको मिल रहे हैं, जो कि अब मैं आपको आउटपुट भी बताते जाऊँगा। तो आपको जो है पिन नंबर वन में आपको जो है आउटपुट मिल रहा है 5 नंबर का, यानी कि आपको जो है इसको सीक्वेंस में अगर लेके आना होगा तो आपको क्या करना होगा कि आपको 2 नंबर पिन जो आपको आईसी में 2 नंबर पिन दिख रही है वहाँ पे जो है वो फर्स्ट होगा, यानी कि आप जब आईसी को ऑपरेट करेंगे तो फिर आपको जो है सबसे पहला जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा आपको पिन नंबर 2 में, और जो आउटपुट मिलेगा आपको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, तो ग्राउंड को जो है आपको डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्ट करना होगा सारी एलईडीज़ को। मैं एलईडीज़ का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप वैसे रिलेज भी लगा सकते हैं और भी कोई, मतलब जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई यूज़ करते हैं तो आप 12 वोल्ट के रिलेज भी लगा सकते हैं, और 9 वोल्ट की यूज़ करते हैं तो 9 वोल्ट के रिले लगा देंगे, 6 वोल्ट की सप्लाई यूज़ करेंगे तो 6 वोल्ट के रिले लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको जो है सारे आउटपुट मैंने लिख के दे रखे हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पे सारे देख सकते हैं, 10 आउटपुट्स हैं। और इस तरीके से मैं जो है अब अभी आगे जो है वीडियोस भी लेके आऊँगा इसके ऊपर। तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। तो यही था यहाँ पर, ये सारा जो आईसी है आपको समझ में आ गई होगी, होप करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर आप लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा।